हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजना भारद्वाज फिटनेस ब्लॉगर। तो दोस्तों, रोज की तरह मेरे चैनल में आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है और मैं भी आ गई हूँ आज आपसे बहुत ही ज्यादा यूजफुल एक्सरसाइज करवाने। जी हाँ दोस्तों, मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर जो मुझे कमेंट करते हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, खासकर कि भाई पेट वाली जो एक्सरसाइज होती है ना, उसमें हमारी कमर बहुत दुख जाती है, कैसे हम पेट घटाएं जिससे हमारी कमर भी ना दुखे और हमारा पेट भी अंदर चला जाए। तो गाइस, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसको करके आपको कोई ज्यादा झुकना भी नहीं पड़ेगा, कमर भी नहीं दुखेगी और बहुत आसानी से अपना पेट अंदर कर लोगे। और वो एक्सरसाइज सिर्फ आपका पेट ही अंदर नहीं करेगी, वो आपका फुल बॉडी फैट लॉस करेगी। देखो, पेट कम करने के लिए ना दो चीजों का बहुत रोल होता है, एक होता है हमारा खाने पीने का और एक होता है हमारा वर्कआउट का। एक्सरसाइज आपको रोज करनी है, खाने पीने का भी ध्यान रखना है। पेट बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, कईयों का डिलीवरी के बाद पेट बढ़ जाता है, कईयों का खान पान इतना ज्यादा अनहेल्दी होता है कि उनकी डेली डाइट में मैदा बहुत चलता है तो उसकी वजह से भी पेट बढ़ता है। खाने का कोई टाइम नहीं है, कब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कब लंच कर रहे हो, कब डिनर कर रहे हो, डिनर आप 10-10, 11-11 बजे कर रहे हो, खाने का कोई अता पता नहीं है। ये सारी चीजें हमारा वेट बढ़ाती हैं, साथ में पेट भी गुब्बारे की तरफ फुला देती हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखो, घर का खाना खाओ, ऑन टाइम खाना खाओ, खाने के लिए एक डिसिप्लिन बना लो कि मुझे 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट करना है, 12 बजे फ्रूट ब्रेक करना है और 1-2 बजे मुझे अपना लंच करना है और 7 बजे से पहले अपना डिनर खत्म कर लेना है। अगर बहुत ही ज्यादा आपका पेट आगे बढ़ गया है, आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो आप कुछ टाइम तक डिनर स्किप करके उसकी जगह फ्रूट डिनर ले सकते हो या ओट्स पी सकते हो। अगर आप किसी को ओट्स की रेसिपी चाहिए होगी तो वो भी मैं जल्द ही दूंगी आपको। तो गाइस, ये सारी चीजें आपको अपनानी है, डिनर भी जल्दी करने की कोशिश करनी है। जितना जल्दी डिनर करोगे उतना ही जल्दी हमारा पेट अंदर चला जाएगा। ओके, तो आपको बहुत परेशानी है कि भाई हमें हमारा पेट अंदर नहीं जा रहा, हम झुक नहीं सकते। आप घर के कमरे में एक दीवार आपके पीछे होगी, मेरे पीछे अलमीरा है, वैसे इसके पीछे दीवार ही है, दीवार होगी ना, उसका सहारा ले लो आप। ठीक है, ऐसे खड़े हो जाओ इस तरह से कंफर्टेबल होके। ठीक है, हाथ ऊपर कर सकते हो ना, अपना हाथ ऊपर कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर आपके हाथ पैर को छू रहे हैं तो ठीक है, नहीं छू रहे हैं तब भी ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हमें बस ये पैर छू लेंगे, जी नहीं। आप क्या करो, इस तरह से खड़े जाओ, 1, 2, 3। ठीक है, इस तरह से अपनी टांगे आगे पीछे करते जाओ। ठीक है, आगे पीछे आपको दोनों टांगे करते जाओ, ये एक टांग को पहले आगे पीछे करना है। ठीक है, देखते जाओ, 1, 2, 3। मैं अपने हाथों से पैर को छू सकती हूँ तो मैं छू लूंगी, आप नहीं छू पा रहे हो, जहां तक भी आपके हाथ जा रहे हैं वहां तक करने की कोशिश करो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, मैंने एक लेग से 20 कर लिए, आप 10 भी कर सकते हो। ठीक है, ब्रीद आउट। पहले हमने राइट वाली लेग से किया, आप लेफ्ट वाली लेग से करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल एक्सरसाइज है। आपको ना मीठा मीठा सा पेन होगा, वो तो होता ही है जब हमारा बैली कम होने लगता है, पर उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो इसके मैंने राइट लेफ्ट लेग से 40 सेट किए, 20-20। आपने कम से कम 100 तक करने की कोशिश करनी है, नहीं कर पा रहे हो 80 तक तो पक्का करना,
ठीक है, और इसमें कोई आपको ज्यादा झुकना भी नहीं है। ओके, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, थोड़ी सी रेस्ट आप ले सकते हैं। रेस्ट ले लेके भी अपना वर्कआउट आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, अब दोबारा से दीवार को आपने पकड़ लिया, ठीक है, इस तरह से वन, ठीक है, जितने घुटने आप ऊपर उठा सकते हो उठाने की कोशिश करनी है, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, ठीक है, इससे भी हमारा पेट बहुत जल्दी अंदर चला जाता है। ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद आउट, ओके, फिर से करेंगे, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। तो गाइस इसके भी मैंने टोटल 40 सेट किए हैं। ओके, आपको इसके 100 करने हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, दीवार के साथ ही करनी है, और जितनी हो सके थोड़ी बहुत अपने वर्कआउट में जंपिंग भी इंक्लूड करो। थोड़ी सी हम जंपिंग करेंगे ना, जैसे मैं इधर खड़ी हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ज्यादा इतने भी करने की जरूरत नहीं है, जी नहीं, आराम से अपनी बॉडी को कंफर्टेबल कर लो, ठीक है, आराम आराम से करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, वन टू फोर फाइव सिक्स नाइन टेन, वन टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन टेन, ठीक है, जितने जंपिंग भी इंक्लूड करेंगे उससे भी हमारा पेट कम होगा, पूरे बॉडी का फैट कम होगा, ठीक है। तीन एक्सरसाइज हैं, दीवार के सहारे मैंने आपको बताई, जैसे ये कि आपने जंपिंग करनी है, वन टू थ्री फोर नाइन टेन वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, इस तरह से इसको एक दो मिनट तक कर लो, 100 सेट कर लो, तीनों के 100 100 करो, अगर जंपिंग कर सकते हो और तो और इंक्लूड कर लो, बहुत जल्दी आपका पेट अंदर चला जाएगा, कमर भी नहीं दुखेगी आपकी और काफी हेल्दी भी आप महसूस करोगे गाइस। तो ये था आज का मेरा बहुत ही ज्यादा यूजफुल वर्कआउट, आप मेरे को जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना गाइस, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।